बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर अल नाजो। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? द कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स सो दैट दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली एंड वेल। यानी कोऑर्डिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम हमारे सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह काम करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं। आर द एबिलिटी टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टुगेदर वेल आर ईजीली। या ये एक सलाहियत होती है कि आप जो है मुख्तलिफ उज़्वों के बॉडी के पार्ट्स को एक ही वक्त में मूव कराएं या उन्हें फंक्शन करने में मदद करें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, द मेजर कॉन्सेप्ट आर दिस यूनिट यू विल लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो और जो केमिकल जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के कौन से जुज़े हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, रिफ्लेक्स एंड एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या हैं, रिसेप्टर्स ऑफ मेन आइज एंड एयर्स। यानी जो आइज और एयर्स हैं उसके कौन से रिसेप्टर्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रेनल आर गोनेड्स। यानी इन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पैरालिसिस या एपिलेप्सी, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन, द ऑर्गनिज्म हैव टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन आर्डर टू लिव टू अचीव दियर टास्क। यानी जो जानदार होते हैं मुख्तलिफ जो अमल होते हैं, मुख्तलिफ टास्क पूरे करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें या अपने मकसद को हासिल कर सकें। देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट पार्ट्स आर ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। यानी उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है या एक मिलके काम करने की एक सलाहियत होती है मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स को। दिस रिजल्ट्स इन प्रॉपर एक्टिविटी आर रिस्पॉन्स। यानी इसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो काम होता है वो अच्छी तरह होता है या उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक बहुत ही अच्छा होता है। हैव यू एवर हैव टच्ड सम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। क्या आपने कभी जो है गर्म जिस्मों को एक्सीडेंटली टच किया है? कैन यू रिकॉल व्हाट यू डिड देन सडनली। यानी अगर आप याद करें कि उस वक्त आपने क्या किया था, You must have removed your hand immediately from that hot object. यानी अपना ज़रूरी अपना जो हाथ है जल्दी रिमूव किया होगा उस हॉट ऑब्जेक्ट से। सो यू नो हाउ एंड वाई यू डू डैट। यानी अगर आप सोचेंगे, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने हाथ को जो है वहाँ से क्यों हटाया। द इन्वायरमेंटल कंडीशन आर ऑलवेज सब्जेक्ट चेंज विदाउट एनी वार्निंग। यानी जो हमारे माहौल की जो कंडीशंस है वो हमेशा चेंज होती रहती हैं बिना किसी वार्निंग के। इन आर्डर टू लिव द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। यानी अगर जिंदा ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहना है अपने माहौल के मुताबिक तो उनको भी अपनी बॉडी में यानी चेंजिंग्स पैदा करनी पड़ेंगी। सच एडजस्टमेंट वुड ओनली बी पॉसिबल व्हेन दे कैन डिटेक्ट चेंजेस, एनालाइज देम एंड इश्यू कमांड्स अकॉर्डिंगली टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी अगर आप इनके लिए एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन चेंजेस को महसूस करें, उन्हें समझें और उनके मुताबिक अपना जो है रद्देअमल या जो रिस्पॉन्स है, कमांड है, वो प्रोवाइड करें। दिस विल मेक नॉट ओनली देयर सर्वाइवल पॉसिबल बट आल्सो इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज। यानी इसके नतीजे में ना सिर्फ वो जानदार ज़िंदा रह सकेंगे पर उनकी जो आने वाली नस्ल है या जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो भी यानी वहाँ पर रह सकेंगी। सो द कोऑर्डिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल फंक्शन। यानी कोऑर्डिनेशन एक, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो एक ऐसा अमल है जिसमें जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और एक मीनिंगफुल जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी वो एक बहुत ही काम वाला, बहुत ही अच्छा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टिमुलस
इट रिफर्स टू एनी फैक्टर विच काज चेंज आइदर इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी स्टिमुलस एक ऐसा फैक्टर है जो अंदरूनी या बाहर वाले एनवायरनमेंट में जानदार में चेंजिंग्स पैदा करता है। द चेंजेस आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल सेल्स और ऑर्गन्स टर्म्ड एज रिसेप्टर्स। वो जो चेंजेस हैं वो स्पेशल ऑर्गन्स से या सेल्स से डिटेक्ट होती है, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आईज आर फोटो रिसेप्टर्स। आईज में फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो सेंसिटिव टू लाइट हैं, यानी वो लाइट को महसूस करते हैं। ईयर्स आर साउंड रिसेप्टर्स। ईयर्स में हमारे साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कहीं से भी अगर आवाज़ आ रहा है तो उसे वो महसूस करने में मदद करते हैं। नोज़ इज़ ए कीमो रिसेप्टर फॉर गैसेस एंड टंग इज़ ए कीमो रिसेप्टर फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स। यानी नोज़ जो है हमारा कीमो रिसेप्टर है गैसेस के लिए, यानी अगर आपके माहौल में गैसेस मौजूद हैं तो आप नोज़ की मदद से उन्हें महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं गैसेस के। एंड टंग इज़ कीमो रिसेप्टर फॉर सॉलिड और लिक्विड। और हमारी जो टंग है वो कीमो रिसेप्टर है सॉलिड और लिक्विड्स के लिए। आई स्टिमुलस अ चेंज द इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स। यानी स्टिमुलस एक माहौल में तब्दीली है जो महसूस की जाती है सेंस ऑर्गन से, और नतीजे में आप जो है रद्दअमल देते हैं। स्टिमुलस हीट रिस्पॉन्स लेट गो। यानी अगर आप जो है इस आपका जो स्टिमुलस है हीट है, कोई गर्म चीज़ है आप जिसको आप हाथ से उठा रहे हैं और वो गर्म है, तो नतीजे में आप रिस्पॉन्स क्या करेंगे उससे छोड़ देंगे। रिस्पॉन्स इट इज़ द एक्टिविटी परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस आर स्टिमुलाई। ये एक रद्दअमल है जिंदा जानदारों का स्टिमुलस को महसूस करने के बाद, यानी अगर उन्हें स्टिमुलस महसूस हो रहा है, कोई चेंज महसूस हो रही है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में, नतीजे में वो एक रद्दअमल देते हैं जिसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। इट इज़ एग्जिबिटेड बाई ऑर्गन्स लाइक मसल्स ग्लैंड व्हिच आर टर्म्ड एज रिसेप्टर्स। वो जो है जाहिर किया जाता है ऑर्गन से, जैसे मसल्स हो गए, ग्लैंड हो गए, जिन्हें हम इफेक्टर्स कहते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, स्टिमुलस होता है, उसे महसूस करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, वो यानी मॉड्यूलेटर की मदद से पैगाम को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है, नतीजे में एक रद्दअमल पैदा करता है, रिएक्शन पैदा करता है, तो यानी कि जैसे वो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल हो जाए, यानी जो स्टिमुलस है उसे ख़त्म किया जाए या उसके खिलाफ जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाए। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।